नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में चीजल के विषय में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्कशॉप में किसी भी मेटल से परत के रूप में या फिर छीलन के रूप में हमें धातु को काटना हो तो दोस्तों ऐसे में हम एक हैंड कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे छेनी बोलते हैं और हैमर की सहायता से इसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अक्सर जो हमारी छेनी होती है यह HCS क्रोम वैनेडियम स्टील टूल स्टील की बनी होती है जिसकी शेप ऑक्टागनल यानी 8 भुजाओं वाली, हेक्सागनल 6 भुजाओं वाली, स्क्वायर जो कि चौकोर होती है और राउंड यानी गोल, इन 4 शेप में हमारी छेनी पाई जाती है। अक्सर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो हेक्सागनल और ऑक्टागनल दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा ऑक्टागनल ठीक माना जाता है। ये इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 4 शेप बताए गए हैं वह मैंने आपको बता दिए हैं। आपने अक्सर किताबों में हेक्सागनल और ऑक्टागनल ही देखा होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि छेनी को फोर्ज द्वारा बनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि छेनी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, तो छेनी फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। इसकी बनावट में दोस्तों सबसे ऊपर इसका एक हेड होता है, सबसे नीचे कटिंग पॉइंट होगा जैसा कि आपने देखा भी होगा, और पूरी जो बाकी का हिस्सा होता है वह हमारी बॉडी कहलाती है। दोस्तों कटिंग एज को अगर हम नीचे से नापेंगे तो 25 से 35 mm लंबाई को दोस्तों सिर्फ इस हिस्से को हमारा हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। दोस्तों हार्ड के बाद हमारी एनिलिंग होती है और एनिलिंग के बाद टेम्परिंग होती है। किताबों में अक्सर दिया जाता है हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, लेकिन दोस्तों हार्ड के बाद एनिलिंग भी की जाती है और एनिलिंग के बाद टेम्पर किया जाता है। HAL में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, उसमें सीधा उन्होंने आंसर में एक ऑप्शन में दे दिया था हार्ड एंड टेम्पर और एक ऑप्शन में दिया था हार्ड, एनिलिंग और टेम्पर, तो वहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा हार्ड, एनिलिंग और टेम्पर सही होगा। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तब हमारा हार्ड एंड टेम्पर सही हो जाएगा। दोस्तों फिर उसके बाद है कि उपयोग के अनुसार दोस्तों जब फोर्जिंग से हमारी चीजल बन जाती है यानी शॉप से आ जाती है फोर्जिंग शॉप से, उसके बाद हम उसे ग्राइंडिंग करके जो भी हमारा उचित कोण होगा, जो भी जितना भी कोण हमें रखना है उसके हिसाब से हम उसे ग्राइंड कर लेते हैं। साधारणतः दोस्तों आपने देखा होगा जो कटिंग पॉइंट है इसका चीजल का वह 60 डिग्री रखा जाता है। फिर है इसके आगे कटिंग एज के पीछे बने हिस्से को फोर्जिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों आपने देखा होगा बॉडी से पॉइंट की तरफ जो टेपर वाला हिस्सा होता है दोस्तों इसे फोर्जिंग एंगल बोलते हैं। अक्सर यह अलग अलग लंबाई में दोस्तों अलग अलग फोर्जिंग एंगल दिया जाता है। फिर है दोस्तों उसके बाद छेनी का हेड। तो दोस्तों जो छेनी का हेड होता है इसको कॉनिकल हेड भी बोलते हैं और या फिर इसे स्ट्राइकिंग बटन भी बोलते हैं। आपने किताब में शायद नहीं पढ़ा होगा लेकिन ये दोस्तों याद रखिए, इसको कॉनिकल हेड के नाम से भी संबोधित किया जाता है और स्ट्राइकिंग बटन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों वैसे तो अक्सर कहा जाता है कि जो हमारा हेड होता है उसको नरम रखा जाता है, लेकिन दोस्तों नरम रखा जाता है लेकिन इतना भी नरम नहीं होता, उसको भी दोस्तों 35 से 45 HRC पर हार्ड किया जाता है। दोस्तों याद रखिए 35 से 45 जो HRC होती है इस पर हार्ड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही नरम छोड़ दिया जाता है। फिर है दोस्तों जो हेड होता है इसको दोस्तों कॉनिकल बनाएंगे जब हम तो थोड़ा टेपर देना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो दोस्तों एंगल दिया जाता है वह हमारा 10 से 20 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रखा जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो हेड होता है उसको कितने डिग्री पर चैम्पर किया जाता है, तो किताबों में दोस्तों दिया हुआ है 10 से 12 डिग्री लेकिन हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच ये कोण हमारा हो सकता है। और जो दोस्तों इसका हेड जो होता है उसको सिर्फ 4 से 10 mm तक ही ग्राइंड किया जाता है। जैसे आप अगर लंबाई नापेंगे तो 4 से 10 mm तक ही ग्राइंड किया जाएगा। दोस्तों फिर बात करते हैं छेनी के प्रकार की।
तो दोस्तों दो प्रकार की छेनी होती है, आपने देखा होगा। एक फोर्जिंग शॉप में जो यूज़ की जाती है उसे हम हॉट चीजल बोलते हैं, और जो नॉर्मली कार्य में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सभी ने ITI में की होंगी या आपके घरों में होंगी, उन्हें दोस्तों कोल्ड चीजल बोलते हैं। दोस्तों कोल्ड चीजल होती है, ये किसी भी जॉब पर ठंडी दशा में या ठंडी जॉब पर ही कार्य करती है। दोस्तों याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोल्ड चीजल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दोस्तों कोल्ड चीजल का इस्तेमाल होता है ठंडी जॉब के ऊपर। जब ठंडी जॉब के ऊपर कटिंग करनी हो, चीपिंग करनी हो या कोई भी कार्य हो, तब हम कोल्ड चीजल का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद है दोस्तों चीपिंग। इसके द्वारा जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको चीपिंग बोलते हैं। चीपिंग में दोस्तों क्या होता है कि छेनी और हथौड़ी की सहायता से किसी भी जॉब से परत या चिप्स के रूप में मेटल को हटाया जाता है, जिससे कि दोस्तों इसकी जो सतह होती है वह खुरदरी बनती है। याद रखिए, जो चीपिंग के बाद जो हमें सतह प्राप्त होगी वह खुरदरी प्राप्त होगी, और इसको चिकना बनाने के लिए दोस्तों हमेशा फाइलिंग की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बनता है सिर्फ वही बात की है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चीपिंग की गई सतह को कैसे चिकना किया जाता है? तो दोस्तों चिकना या फिनिश करने के लिए फाइलिंग की जाती है। इसके बाद है दोस्तों कटिंग। कटिंग होती है दोस्तों जब हमें किसी भी बड़े या छोटे मटेरियल से उसका जो छोटे से छोटा हिस्सा या यूँ कह लें बड़े हिस्से से छोटा हिस्सा बनाने के लिए जो कटिंग की जाती है वह हमारी कटिंग कहलाती है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना कटिंग कहलाती है। तो चीपिंग और कटिंग दो मुख्य काम हैंगे हमारी चीजल के। फिर बात करते हैं दोस्तों चीजल के प्रकार के बारे में। तो चीजल दोस्तों हमारी पांच प्रकार की होती है मुख्यतः। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल और हमारी डायमंड पॉइंट चीजल, और एक होती है हमारी वेब चीजल। तो यहाँ पर ये पांच प्रकार की आप चीजल देख रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फ्लैट चीजल की। तो दोस्तों जो हमारे साधारण कार्य होते हैं इनके लिए हम फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जितनी भी हमारी फ्लैट सतह होती हैं, चाहे वे बड़ी हों चाहे छोटी हों, अगर सतह फ्लैट है तो वहाँ पर हम फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करेंगे। बेल्ड किए हुए जॉब होते हैं दोस्तों जो हमारे, उसके ऊपर बीड वगैरह आ गई है, वहाँ पर भी हम फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हमारे जो भी कास्टिंग किए हुए पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर अतिरिक्त थोड़ी बहुत किनारों पे दोस्तों आपके मटेरियल रह जाता है, उसको साफ़ करने के लिए भी फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किताबों में दिया गया है कि 16 से 32 mm जो है इसके फेस की चौड़ाई रहती है, कटिंग पॉइंट की चौड़ाई रहती है। लेकिन दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, किताबों में सिर्फ उन्होंने 100 mm से, मतलब एक कहते हैं कि जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर मैंने जिस रेंज से शुरू होती है हमारी छेनी यानी उससे लेकर और जहाँ तक आती है उसके बारे में लिखा है। तो वहाँ पर दोस्तों कटिंग एज 6 से 32 mm चौड़ा रखा जाता है। जो हमारी चीजलें आती हैं, चीजल्स आती हैं, वे 6 mm से 32 mm चौड़ी आती हैं। और जो कटिंग एज की थिकनेस होती है दोस्तों, यह किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कटिंग एज की भी एक थिकनेस होती है जो कि 1.2 mm से 4.5 mm तक रखी जाती है। अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों 100 mm से 600 mm की लंबाई में हमारी चीजल पाई जाती हैं। फिर इसके बाद करते हैं दोस्तों बात इसके ब्लेड की। अब आप कहेंगे कि ब्लेड कौन सा हिस्सा है? तो दोस्तों जो फोर्जिंग एंगल वाला हिस्सा होता है, जो टेपर होता है, उसकी जो लेंथ होती है दोस्तों, इसको ही हम चीजल ब्लेड बोलते हैं। यही हमारा चीजल का ब्लेड बोल कहलाया जाता है। दोस्तों यह भी लंबाई के हिसाब से बदलता रहता है। जितनी लंबी हमारी चीजल होगी उतना ही लंबा हमारा ब्लेड कहलाएगा। याद रखिए, जो फोर्जिंग एंगल वाला एरिया होता है, अगर इसको आप एक सीधी रेखा में मापेंगे तो ये हमारा ब्लेड कहलाएगा। दोस्तों जो फोर्जिंग एंगल होता है ये 25 डिग्री से 30 डिग्री के समथिंग रखा जाता है। अक्सर दोस्तों कभी कभार कि किसी क्वेश्चन पेपर में अगर आया हो तो आया हो, वरना मैंने तो आज तक देखा नहीं है। तो फिर भी आप याद रखिए कि 25 डिग्री से 30 डिग्री तक हमारा फोर्जिंग एंगल रखा जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों क्रॉस कट चीजल की। दोस्तों इनके कार्य पूछे जाते हैं अक्सर, किसी भी जो चीजल है उसका ये नहीं पूछा जाता कि ये कितना होता है, इनके सीधे कार्य पूछे जाते हैं। तो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम भी होता है कैप चीजल। इस वाली चीजल से सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि क्रॉस कट चीजल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह है दोस्तों कैप चीजल। कैप चीजल के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। इसके द्वारा कीवे, याद रखिएगा दोस्तों, कैप चीजल के द्वारा कीवे, खांचे, स्लॉट काटे जाते हैं। कीवे काटने के लिए अगर हमसे पूछा गया है प्रश्न में, तो हमारा आंसर आएगा क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल। फिर उसके बाद दोस्तों हाफ राउंड नोज चीजल। दोस्तों इनका प्रयोग होता है हमारा जो ऑयल ग्रुप्स होते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए किस चीजल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा होगा हाफ राउंड नोज चीजल का। फिर उसके बाद डायमंड पॉइंट चीजल। तो दोस्तों जो डायमंड पॉइंट चीजल होती है हमारी, इसका इस्तेमाल सिर्फ दोस्तों जो कॉर्नर में हमारे जो बर होती हैं, ये यूँ कह लीजिए कॉर्नर में मटेरियल बकाया रह जाता है, छूटा हुआ रह जाता है, उसको साफ़ करने के लिए दोस्तों डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करेंगे। सीधे सीधे वर्क के साथ पूछ लिया जाता है कि किस चीजल का उपयोग करोगे, तो यहाँ पर आप ये सब याद रखिए। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारी बैव चीजल। बैव चीजल दोस्तों अक्सर सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाने वाली चीजल है, तो वह है बैव चीजल। और इसके लिए इतना ही पूछा जाएगा कि ड्रिलिंग के बाद जो हमारी सीरीज, या फिर यूँ कह लीजिए कि कोई भी सेप हमें काटना है किसी बड़े जॉब में, उसके लिए इर्द गिर्द हम दोस्तों खूब सारे होल कर लेते हैं ड्रिल मशीन से, फिर उस मटेरियल को काटने के लिए, उन होल्स को आपस में मिलाने के लिए जिस चीजल का इस्तेमाल किया जाता है, वह हमारी होती है बैव चीजल। ये दोस्तों आगे से चपटी होती है, इसमें कोई धार नहीं होती है, याद रखिए यही एक ऐसी चीजल है जिसमें धार नहीं होती है। इसी का इस्तेमाल हम दोस्तों जो श्रृंखला ड्रिलिंग होती है उससे धातुओं को अलग करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक अन्य चीजल की, जो कि ज़्यादातर तो नहीं सुनने में आती, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि वाशर काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों काओ माउथ चीजल नाम से एक चीजल आती है, जो कि खोखली होती है और उसका जो मुंह होता है वह गाय के समान होता है, जैसा गाय का मुंह होता है आगे की तरफ को निकला हुआ खोखला टाइप का, उस टाइप से होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग होता है गोल चादर काटना, वाशर काटना, कास्टिंग के जो जॉब्स होते हैं उनके किनारे थोड़े से उठ जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा किनारे उठे हुए हैं, किनारों पे बची हुई मेटल नहीं है, तो उठे हुए किनारों को इस वाली चीजल से साफ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों चीजल का स्पेसिफिकेशन, उसकी लेंथ, विड्थ ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज की चौड़ाई, टाइप यानी किस प्रकार की ये चीजल, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, जो मैंने बताया था कि ऑक्टागनल आती है, हेक्सागनल, स्क्वायर, राउंड, तो इनमें से कौन सी आपकी जो बॉडी है का शेप चाहिए आपको चीजल का, वह बताना है। और दोस्तों ये गलत मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, बैव चीजल यहाँ पे लिख गया पांचवें पॉइंट पे, माफ़ कीजिएगा। फिर अब बात करते हैं दोस्तों डेजिग्नेशन की। जैसा कि मैंने अभी ऊपर स्पेसिफिकेशन में बता ही दिया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डेजिग्नेशन में क्या बोल रहा है, द चीजल सेल बी डेजिग्नेट बाय द टाइप, नॉमिनल साइज, लेंथ एंड सेक्शन। तो एच दोस्तों जब इसके स्पेसिफिकेशन में अगर एच लिखा है, तो वहाँ पर मतलब होता है हमारा हेक्सागनल का, कि जो हमारी चीजल है वह हेक्सागन चाहिए। अगर ओ लिखा है तो ऑक्टागनल चाहिए, अगर एच लिखा है तो स्क्वायर, और आर लिखा है तो राउंड। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक फ्लैट कोल्ड चीजल को दोस्तों बताया गया है कि उसका नॉमिनल साइज है 20 mm, 20 mm यानी उसकी विड्थ की चौड़ाई हैगी फेस कटिंग पॉइंट की, लेंथ है 200 mm, और दोस्तों यह उसका जो क्रॉस सेक्शन है वह हेक्सागनल, और ये दोस्तों शैल बी डेजिग्नेट एज फ्लैट कोल्ड चीजल, जो दोस्तों इसे बोला जाएगा वह फ्लैट कोल्ड चीजल बोला जाएगा। दोस्तों इसके बाद IS नंबर और जुड़ा होता हैगा, तो IS नंबर दोस्तों कभी पूछा तो जाता नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है, क्योंकि इससे क्या है कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों यह थी हमारी चीजल।
दोस्तों अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की, जिसके अंदर से पॉइंट निकल के आते हैं जिन पर पर्सन बनते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों चीजल की एचआरसी। तो चीजल की एचआरसी दोस्तों 52 से 57 रखी जाती है, ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है दोस्तों, 52 से 57। फिर है दोस्तों चीजल की हार्डनिंग के बाद एनिलिंग और फिर टेम्परिंग की जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हार्डनिंग के बाद एनिलिंग और फिर टेम्परिंग, यानी तीन प्रक्रिया होंगी, अक्सर बुक्स में हार्ड एंड टेम्पर लिखा जाता है। फिर है दोस्तों बार बार, तीसरा पॉइंट, बार बार ग्राइंड करने से चीजल के कटिंग पॉइंट की थिकनेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों कोई भी ये चीजल आप सभी ने देखी होगी आगे की तरफ को पतली होती है, जब वह बार बार ग्राइंड होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो थिकनेस है वह मोटी हो जाएगी। दोस्तों इस परिस्थिति में हमको चीजल को दोबारा से फोर्जिंग शॉप में ले जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कटिंग एज मोटा हो गया है, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में ग्राइंडर भी लिखा होगा और भी प्रक्रियाएँ लिखी होंगी और फोर्जिंग भी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब ऐसी परिस्थिति आए कि हमारी थिकनेस मोटी हो गई है चीजल की, तो आपको फोर्जिंग शॉप लेके जानी है। फोर्जिंग शॉप से दोबारा से उसे फोर्ज करवा के फिर ग्राइंडिंग पर लाकर अपनी इच्छा अनुसार कोण रख लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों वही बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति में दोबारा फोर्ज करके ग्राइंड किया जाता है अगर थिकनेस मोटी हो गई है। फिर है दोस्तों चीजल पर हैमर द्वारा चोट मारने पर ध्यान चीजल के हेड पर होना चाहिए। दोस्तों आप सभी ने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि जब हम चीपिंग करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो हमें गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि चीजल के पॉइंट पर, हैमर के फेस पर। तो दोस्तों हमारा जो ध्यान है वह सिर्फ चीजल के हेड पर होना चाहिए। हमने नीचे जहाँ पर हमें कटिंग करनी है वहाँ हमने छेनी लगाई, और जब स्ट्राइकिंग करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ छेनी के हेड पर होना चाहिए। फिर है दोस्तों ग्राइंडिंग करते समय चीजल को व्हील के फेस पर रगड़ना चाहिए, ना कि साइड पर। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्राइंडिंग में पूछ लिया जाता है कि चीजल को ग्राइंडिंग व्हील के किस हिस्से से ग्राइंड करना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर हम लोग ITI में जब नहीं पता था तो साइड से ग्राइंड करते थे, लेकिन दोस्तों जब हमें सर ने बताया या फिर आप लोगों ने किताबों में देखा होगा तो हमें हमेशा उसके फेस से ग्राइंड करना चाहिए। और टूल पोस्ट दोस्तों उसमें ज़रूर लगा होना चाहिए। टूल पोस्ट के बीच की जो दूरी होगी वह हमारी 2 mm होगी। टूल पोस्ट ना होने से कई बार दोस्तों चीजल गर्म हो जाती है और वह हाथ से छूट जाती है और दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अगर टूल पोस्ट नहीं लगाए ग्राइंडर में तो उसे लगाएं और तभी उसका प्रयोग करें, अन्यथा दोस्तों किसी जो बड़ा अधिकारी हो उसकी देखरेख में ये कार्य करें। फिर है दोस्तों चीपिंग के दौरान वाइस के पीछे वाइस गार्ड रखना चाहिए। दोस्तों ये पूछा जाता है कि आप चीपिंग कर रहे हैं, सामने वाले को दुर्घटना से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों चीपिंग गार्ड को लगा लेते हैं हम, और खुद भी, और अगर सामने कोई काम कर रहा होता है तो उसको सुरक्षा चश्मा पहनने के लिए बोल देते हैं कि आप जो है सेफ्टी गॉगल्स पहन लीजिए, क्योंकि चिप्स उड़ते हैं दोस्तों, चीपिंग करते हैं तो चिप्स हमारे इधर उधर उड़ के जाते हैं, तो वो आँख में चले जाएंगे तो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है चीपिंग के दौरान हमें सुरक्षा चश्मे लगा लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि चीजल से निकल कर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रैक टेक के बारे में। तो दोस्तों आप क्रैक टेक पर हमें कहीं पर भी, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम हो, आप और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों डेली हमारा एक टेस्ट चलता है 25 क्वेश्चन का, जो भी लड़के नए हैं वो कमेंट बॉक्स में या जहाँ पर भी हमें सर्च कर रहे हैं वहाँ पे अपना नंबर छोड़ें, और यहाँ पर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर अपना नाम व अपनी ट्रेड लिख कर मुझे मैसेज सेंड करें। दोस्तों व्हाट्सएप ही करना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर लूँगा क्रैक टेक के ग्रुप में, और आपको यकीनन, आप यकीन मानिए कि आप किसी भी ट्रेड से जुड़े हैं आपको ज़रूर दोस्तों फ़ायदा हुआ। हम डेली का टेस्ट रखते हैं, एक चाहे किसी भी टॉपिक से लें, एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हमारे 20 टेक्निकल क्वेश्चन और 5 हम नॉन टेक रखते हैं, और दोस्तों लास्ट में जब ये टेस्ट पूरा हो जाता है उसके बाद
टॉप फाइव बंदों को या फिर यूँ कहें टॉप फाइव जो भी स्कोरर होते हैं उनके नामों को पब्लिश करते हैं, जैसे कि फेसबुक पर या आपके ग्रुप में। तो हम ऐसे करके दो लोगों में या फिर स्टूडेंट में बढ़ावा उत्पन्न करते हैं ताकि तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि इसके जो कटिंग पॉइंट एंगल होते हैं दोस्तों, चीजल के द्वारा जो कटिंग एंगल बनते हैं उनके बारे में, उसे मैं मैनुअल बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और उसे आसानी से समझते हैं चीजल के एंगल के बारे में। तो चीजल में दोस्तों चार एंगल होते हैं हमारे, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और क्लियरेंस एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम पॉइंट एंगल की। तो पॉइंट एंगल लिखा है दोस्तों, द करेक्ट पॉइंट कटिंग एंगल ऑफ द चीजल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी चिप्ड। तो हमारा जो करेक्ट कटिंग एंगल होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। सही है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है कि चीजल का कटिंग एंगल किस पर आधारित होता है। तो दोस्तों जो भी मटेरियल हमें चिप करना होता है, चिपिंग करनी होती है, उसके ऊपर ही ये निर्भर करता है। जैसा दोस्तों लिखा है, शार्प एंगल्स आर गिवन फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स एंड वाइड एंगल्स फॉर हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम है तो उसके लिए हमारा जो एंगल होता है दोस्तों वह होता है 30 डिग्री, और जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं इनके लिए वाइड एंगल होता है, जैसे हाई कार्बन स्टील होता है इसके लिए हम एंगल रखते हैं 65 डिग्री। फिर बात करते हैं दोस्तों रैक एंगल की। रैक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। तो दोस्तों जो हमारी टॉप सरफेस है, ये हमारी टॉप सरफेस हैगी, आपने देखा चेनी के ये चित्र बनाया हुआ है इसकी टॉप सरफेस, और ये 90 डिग्री में आती हुई एक रेखा जो कि कटिंग पॉइंट पर मिलती है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण रैक कोण कहलाता है, आप दोस्तों याद रखिएगा। और ऐसा ही है दोस्तों, जो नीचे बॉटम वाली जो सरफेस होती है कटिंग एंगल की या कटिंग पॉइंट की, और जो जॉब की सरफेस होती है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण होता है हमारा क्लियरेंस एंगल। जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियरेंस एंगल में लिखा है, क्लियरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड द टेंजेंट ऑफ वर्क सरफेस ऑरिजिनेटिंग एट द कटिंग एज। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण हमारा क्लियरेंस कोण कहलाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि इस क्लियरेंस के बढ़ने या घटने से प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो, अगर क्लियरेंस एंगल लो है और जीरो हो गया है तो रैक एंगल दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों रैक एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ज़्यादा झुका लिया है, यहाँ का कोण अपने आप बढ़ जाएगा। फिर लिखा है, द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट इन टू द वर्क एंड चीजल विल स्लिप, अगर आपने जो आपका क्लियरेंस एंगल है उसे लो और जीरो कर लिया तो हमारी जो चीजल है वह जॉब के अंदर घुसेगी नहीं, स्लिप हो जाएगी। फिर है आगे, इफ़ द क्लियरेंस एंगल इज़ टू ग्रेट, अगर आपने क्लियरेंस एंगल को अधिक कर लिया, छेनी को ज़्यादा उठा के चला रहे हैं, झुकाव कम दे रहे हैं, तो हमारा रैक एंगल दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, कटिंग एज डिग हो जाएगा, डिग से यानी घुस जाएगा जॉब के अंदर, और बिकम डीपर एंड डीपर यानी घुसता ही चला जाएगा। इसके लिए लिखा है दोस्तों, द करेक्ट पॉइंट एंगल यानी जो कटिंग एंगल है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर डिफरेंट मटेरियल फॉर चिपिंग इज गिवन इन टेबल वन। तो टेबल वन में दोस्तों जो करेक्ट एंगल है उनको दिखाया गया है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी टेबल वन, जिसमें मटेरियल, पॉइंट एंगल और हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाया गया है। HCS से दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, HCS से आप स्टार्ट कीजिए, 65 आप याद रखिएगा कि HCS का 65 होता है, इसके बाद कास्ट आयरन 60, माइल्ड स्टील 55, ब्रास 50, कॉपर 45 और एल्युमिनियम 30। और इंक्लिनेशन का आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी हमारा पॉइंट एंगल होता है इसको आधा कीजिए और उसमें प्लस 7 कर दीजिए। दोस्तों जैसे देखिए एक ये सिंपल सा उदाहरण लीजिए, कास्ट आयरन के लिए 60 है, इसको आधा कीजिए 30 और 30 में 7 जोड़ देंगे आप, तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ जाएगा।
55 है, 55 को आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.5, 27.5 में 7 जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा। 50 का 25 आएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मटेरियल टू बी कट, जो भी मटेरियल है उनके आधार पर पॉइंट एंगल और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फिर दोस्तों एक चीज़ रह गई थी क्राउनिंग। तो दोस्तों क्राउनिंग होती है हमारी जो हमारी छेनी होती है उसके जो पॉइंट होता है, कटिंग पॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा गोल बनाया जाता है, उसको उत्तल बनाया जाता है। वह क्यों बनाया जाता है दोस्तों? वह बनाया जाता है डिगिंग ऑफ कॉर्नर, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर में घुसने से या कॉर्नर को टूटने से बचाने के लिए। जब हम किसी भी जॉब की चीपिंग करते हैं उसके कॉर्नर को बचाने के लिए हम जो जॉब की जो कटिंग एज होती है उसको थोड़ा सा कर्वेचर बनाते हैं, उसको थोड़ा गोल बनाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों? हमारा ब्रेकेज नहीं होती है। चीजल पॉइंट क्राउनिंग अलाउ द चीजल टू मूव फ्रीली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वाइल चीपिंग। तो इससे दोस्तों सीधी लाइन में हमें चीपिंग करने में भी मदद मिलती है, इसलिए क्राउनिंग दी जाती है। कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाता है कि क्राउनिंग क्यों की जाती है, तो दोस्तों सीधा आंसर लिखा होगा प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों उसके बाद ये चीजल को ग्राइंड करना। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है आफ्टर रीग्राइंडिंग मैनी टाइम्स। कई बार आपने रीग्राइंड कर लिया है कटिंग एज को चीजल के, तो इससे क्या होता है दोस्तों? द कटिंग एज बिकम टू थिक, ठीक है, यानी बहुत मोटा हो जाएगा इससे। सच चीजल आर अनसुटेबल फॉर रीशार्पनिंग, ऐसी चीजल रीशार्पनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। दिस शुड बी फोर्ज एंड ब्रॉट टू शेप बिफोर ग्राइंडिंग। तो आपको ग्राइंडिंग से पहले ऐसी चीजलों को फोर्जिंग शॉप में फोर्जिंग के लिए भेज देना चाहिए। फिर उसके बाद जब चीजल आ जाए उसके बाद ग्राइंड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे आप करते चला जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट मतलब पतला था, फिर उसके बाद कितना मोटा हो गया, और ऐसे ऐसे कि बहुत मोटा हो जाएगा जिससे कि चीजल सही काम नहीं करेगी। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें आपको फोर्ज करवाना है पहले। ये पूछ लिया जाता है कि आपका कटिंग एज मोटा हो गया तो आप रीशार्प करेंगे क्या करेंगे, तो ऐसे में हम दोस्तों फोर्ज करेंगे सबसे पहले, फोर्जिंग के बाद फिर से ग्राइंडिंग तब की जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ चीजल के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपने देखे भी होंगे, शायद किसी बुक में ऐसा नहीं मिलता होगा, मगर आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।